नदी में दो बच्चे डूब गए हैं। दो बच्चों की नदी में डूबने से मृत्यु हो गई है। दोनों बच्चों के शव को अब स्थानीय गोताखोरों ने बाहर निकाल लिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बच्चों के शवों को अब परिजनों को सौंप दिया गया। जौरा थाना क्षेत्र के परसौटा गांव की घटना बताई जा रही है। नदी में दो बच्चे डूब गए, उनकी मृत्यु हो गई। गोताखोरों की मदद से उन्हें अब बाहर निकाल लिया गया, उनके शव को। सत्येंद्र सिंह तोमर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, कैसे हुई इनकी मौत? क्या नहाने के लिए गए हुए थे? नहीं, बिल्कुल, देखा जाए तो ये पूरा जो मामला है वो जौरा थाना इलाके के परसौटा गांव का है और ये बताया जा रहा है कि ये दोनों बच्चे सोच के लिए गए हुए थे और उसी समय इनका पैर फिसलने से, जो चूंकि पास में ही एक छोटी सी नदी थी और उसमें डूब गए थे। हालांकि जैसे ही ग्रामीणों को सूचना मिली तो ग्रामीण जो स्थानीय गोताखोर होते हैं उनका सहयोग लिया गया और उन्होंने काफी लंबे समय तक नदी में तलाश की गई, पुलिस को भी सूचना दी गई, पुलिस भी मौके पर पहुंची। उसके बाद दोनों बच्चों के जो शव हैं वो निकाले गए बाहर, उनको अस्पताल लाया गया, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद इनका पोस्टमार्टम कराया गया। उसके बाद जो शव हैं, दोनों बच्चों की उम्र कितनी है सत्येंद्र? बिल्कुल, देखा जाए तो दोनों बच्चों की जो उम्र की बात की जाए तो 8 से 10 साल के लगभग इनकी उम्र बताई जा रही है। और क्योंकि ऐसा लग रहा है इसमें, अगर देखा जाए तो इसमें पूरी जो लापरवाही का जो मामला है, हो सकता है कि चूंकि घर वालों ने इसको ध्यान नहीं दिया है, जैसे ही जो चूंकि आज भी ग्रामीण परिवेश में लोग सोच के लिए बाहर जाते हैं तो हो सकता है कि बच्चे उसी क्रम में गए हों और हालांकि कोई बड़ा साथ में नहीं हुआ नदी में पैर फिसलने से इनकी। हालांकि पुलिस भी कह रही है कि पूरे मामले की चूंकि जांच की जाएगी। पहले तो ये अफवाह चली थी कि दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ने गए हैं, लेकिन चूंकि स्कूल जो गांव में स्कूल है उस स्कूल में ना दोनों बच्चों के अभी तक नाम लिखे हैं, उनकी उम्र भी ये बताई जा रही है कि पढ़ने की उसमें नहीं थी, इसलिए उनके परिवार वालों ने उनके नाम भी स्कूल में नहीं लिखाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो चूंकि परिजनों की भी लापरवाही, चूंकि जिस तरीके से सोच के लिए बाहर बच्चों को भेज दिया जाता है तो उसमें भी लापरवाही। बिल्कुल सत्येंद्र, आप नजर बना के रखें इस खबर पर, अपडेट आपसे लगातार हम लेते रहेंगे। सत्येंद्र बने रहिए हमारे साथ।